आमतौर पर लोग मंदिर में घुसने से पहले वहां लगी घंटियों को जरूर बजाते हैं। उसके बाद ही वो भगवान के दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों के बाहर घंटी लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मंदिर में जाने से पहले घंटी क्यों बजाते हैं? इसकी असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुबह शाम मंदिरों में जब पूजा आरती की जाती है तो एक विशेष लय और धुन के साथ छोटी बड़ी घंटियां बजाई जाती हैं। मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से इंसान के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद यानी की आवाज गूंजी थी वही आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक है। मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब धरती पर प्रलय आएगा उस समय भी घंटी बजाने जैसा ही नाद वातावरण में गूंजेगा। मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे न सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा ये है कि इसकी सीमा में आने वाले सभी जीवाणु विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे मंदिर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ये भी माना जाता है कि घंटी बजने से नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं, जिससे लोगों के समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।